ऐसी गर्मी के टाइम में इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, क्या प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है अगर इस चीज़ के लिए, अगर जो हमारे ड्राइवर भाई इस टाइम गाड़ियों में बैठे हुए हैं या गाड़ियाँ रोकी गई हैं उनकी, तो धूप में उनको पानी पीने को इस टाइम गाड़ियाँ भाई साहब तंदूर की तरह गर्म है। जो मैंने डिबेट डाली थी थोड़ी देर पहले, एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आप ये देखो, रोड पूरी तरह से ब्लॉक, कोई बाइक तक नहीं जा रही है, किसी को भी नहीं जाने दे रहे ये लोग। ये गाड़ियाँ देखो कितनी कितनी लाइनें लगी हैं, चार चार पांच पांच लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, और रोड पूरी तरह ब्लॉक किया गया है। और ये देखो भाई कैसे बैठे हुए हैं गाड़ी वाले, हालत देख लो। इस टाइम टेम्परेचर यहाँ पे 35 डिग्री से ऊपर होगा, 35+ का टेम्परेचर है, और सामने से गाड़ियों पे धूप पड़ रही है। और अगर वैसे बात आ जाए ह्यूमन राइट की भी, तो ये कौन सा तरीका है कि ऐसी गर्मी के टाइम में इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, क्या प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है अगर इस चीज़ के लिए, अगर जो हमारे ड्राइवर भाई इस टाइम गाड़ियों में बैठे हुए हैं या गाड़ियाँ रोकी गई हैं उनकी, तो धूप में उनको पानी पीने को इस टाइम गाड़ियाँ भाई साहब तंदूर की तरह गर्म है हो रखी होती हैं। चल के गाड़ी आई है, ठीक है, गाड़ी है, रनिंग करके आ रही है ना, सफ़र करके आ रही है गाड़ी, चल के गाड़ी आ रही है, उसके बाद आप गाड़ी को जाम में खड़ी हो जाएगी, आदमी इंजन बंद करेगा, उसके बाद आप देखना इंजन से जो टेम्परेचर निकलता है, हीट निकलती है ना, और आदमी अंदर बैठा रहेगा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये मान के चलो आदमी तंदूर पर बैठा है, ये देखो जो हालत है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो गाड़ियों की लाइन है, ये देखो भाई कैसे बैठे हुए टाइम, ये हालत है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, लाइनें देख लो, ये एक साइड का, ये दूसरी साइड का रोड, ये ब्लॉक, ये देखो यहाँ पे बैठे थे। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखो लाइनें देखो गाड़ी की कहाँ से कहाँ तक हैं, ये यहाँ से वो शुरू हो गया, इधर यहाँ ब्लॉकेज है, उधर की लाइन अलग है, आने नहीं दे रहे, और ये जाने वाली गाड़ियाँ तीन तीन चार चार लाइनें।